ए बाबू एकरा पहले एक कैसेट रउआ सबके बीच में गई रहल ह जेवना कैसेट के नाम रहे आवारा बेटा, लेकिन देखें ए ध्यान से कहानी के सुनिए ने करीबाद ही हम दूसरका कैसेट सुपर टी सीरीज के माध्यम से रउआ सबके बीच में ऑडियो कैसेट के रूप में भेजा तानी। ध्यान से अगर ये कहानी के सुनबा तो हमके आशा ना बल्कि विश्वास बा, ई हमके घमंड ना बा, लेकिन दावा जरूर बा, आंख से आंसू आवे न आवे लेकिन बाबू कलेजा तो पसीजी जाएगा। देखें ये करुण रस की कहानी है, लेकिन किसकी कहानी है, यहीं से कहानी की शुरुआत है। क्या किस समय के सिकंजे में फंस करी के मानो खाता हे ठोकर समय की बदौलती गैरों के गर्दिशी में जकड़े गरीबी छलनी करे दिल न करता मरौवती अरथी उठने लगी आज ईमान की जहर बन गई है जमाने की दौलती गंगा सागर सजल नैन देखे सदा मिलती नहीं भीख मांगे से मौवती यहीं से कहानी की शुरुआत है। लेकिन देखें बाबू एक लाइन गजल का नमूना बा उहे भोजपुरी गीत दिहल बा हमरे बिहार वाली का गीत का लाइन बा मास्टर उहे तरज बा कि सब कहेला सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू तो ना लागे न काची उमरिया में तो ना लागे न काची हमारे गाना का भाव कितनी सुंदर लिखल गई कहनाम बा कवि कका कि आसमा में अजोरिया उगे चान के आसमा में अजोरिया उगे चान के कबहू जुआ डेराला अन्हरिया में कबहू कहानी का शुरुआत मा गौर करिहन गरीबी कैसन चीज होला बाबू ए दुनिया में गरीब का जिंदगी का बा गरीब आदमी कैसे जियेलन तनी कवि जी बड़ी सुंदर बात लिखलन गीत के अंदर नजम के लाइन में बतावल गई का पूछो गरीबों से गरीबी कैसी आफत है पूछो गरीबों से गरीबी कैसी आफत है ठोकर ईर्ष्वा देश जुल्म सह नया दस है
कहानी के करवा इहमे से बात के शुरुआत हो गई। मजदूर राम सेवक मजदूर राम सेवक बाठा मोतिहारी में सुदामा शांति सुअंजी रहे लचारी में। गुजारा करता था समय की बेवफाई में गुजारा करता था समय की बेवफाई में खर्चा बढ़ गया था पत्नी की दवाई में। कर्म की मारी वह विपत्ति बोझ ढोती थी कर्म की मारी वह विपत्ति बोझ ढोती थी पड़ी मरण की से जयाह भर के रोती थी। ए बाबू तनी कहानी पर गौर करिहन। बाठा गांव के रहे वाला मोतिहारी जिला के अंदर मोतिहारी जिला में एगो छोटे गांव बाठा वही गांव के रहे वाला मजदूर राम सेवक इतना गरीब की टाइम से कोर भोजन नसीब ना होत पा। मजदूरी करके परिवार का परवरिश जिंदगी के परवरिश करत हुन अपने परिवार का। ई देखें पति का नाम राम सेवक पत्नी का नाम विमला बतावल गई लेकिन परिवार में और के बा एक बेटा एक बेटी बिटिया बड़बे जेवना बिटिया का नाम शांति बतावल गई आ बेटवा का नाम सुदामा बतावल बा। देखें बाबू शांति बेटी की उम्र 10 बरस है की है और बेटवा का उम्र 8 बरस का बतावल बा सुदामा का। समय धीरे धीरे बीतत बा अचानक एक दिन भगवान कैसन प्रकोप भइल कि देखें ये राम सेवक का दुल्हन विमला बीमार पड़ जाती है। आज जब बीमार पड़ल बे आज धीरे धीरे राम सेवक गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं खे कि अच्छा इलाज कहीं करा सकें। ए तरह मौत जो है विमला की नजदीक आकर खड़ी हो गई। कुछ ही दिनों की विमला मेहमान बन जाती है। आज जब विमला मेहमान बन गई समझ गई कि अब हम ना बचब आज बाबू देखें अपने पति राम सेवक के बुलौलिन हम अब बुलाए के रोक एक ठे बात कहलिन हम का कहलिन इहे रोके कहलिन हम कि प्रेम के फूल के सेजी सजवली ये सैया प्रेम के फूल के सेजी सजवली ये सैया यार ये सैया यार ये सैया अभागन हो गईली अभागन हो गईली अभागन हो गईली माई के मुड़तारी बिटिया शांति बैठल बे गोड़ के लगे बेटवा सुदामा बैठल बा अपने पति के रो के समझावत है इनकी ये सैया अब हमके हमरे बारे में ज्यादा चिंता मत करा। रोवत हुन राम सेवक कहलन कि देखा विमला ऐसन मत कहा हम गरीब आदमी जरूर बानी कर्जा गुलाम कही के तुहार दवाई हम कराई तू नहीं खोजेबू। लेकिन बाबू देखें विमला दोनों लड़कन के हाथ पकड़ के आ लड़का लड़की के हाथ पकड़ के अपने पति राम सेवक के हाथ में रख दियालस आ एगो बात कहत बे का कहलस कि टोवे बबुवन के हाथे पंछी उड़ल चाहे माथे कहलस कि अब हमके दवाई जीन करावा अब हम बचब ना लेकिन हमरे मर गईले के बाद तुहार हम अर्धांगिनी रहली एगो काम कर दिया। कवन काम कर दिया कि टोवे बबुवन के हाथे पंछी उड़ल चाहे माथे कबहू करिहा न शादी रहिया टूअरन के साथे छ
छन छा छन के दोनों रोवे धई पैया छछन छछन के दोनों रोवे धई पैया यार धई पैया यार धई पैया अभागन हो गईली आखिर यह कही के बिमला बाबूजी मर जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई, कह कर गई थी कि पति देव आप दूसरी शादी मत करना। हम सुनले बानी कि सौतेली माई आवेली घर में त लैकन के बड़ा तकलीफ होला, यह दुगो लैका हमार निशानी हुन, आई दोनों भाई बहन के तू अपने जान से ज्यादा जनिहा, लेकिन दूसरा से शादी मत करिहा। आखिर गांव का मदद लेकर के, गांव घर के लोगों का मदद लेकर के बाबू राम सेवक अपनी विमला पत्नी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। और जब दाह संस्कार कर दिया, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छह महीना गुजर गई। जब छह महीना गुजर गई, गांव घर के लोग दबाव देवे लगलन, गांव घर के लोग हितई नतई के लोग आके कहलन कि अरे राम सेवक, तहार जिंदगी बड़ा लम्हर बा भैया, एक काम कराओ कि कम से कम अपना खातिर तना, लेकिन है दुगो तहार लैका हुन, एगो लैकी एगो लैका, त कम से कम एहनी के मुंह देखा, तू दूसर ब्याह कला, दूसर मेहरारू घर में आई त कम से कम लैकन के टाइम से भोजन त दीही। आखिर पहले तक कुछ दिन तक नकारत चल गलन राम सेवक कि हम दूसर ब्याह न करब, लेकिन गांव घर के इतना दबाव पड़ल कि राम सेवक दूसरी शादी कर ही लिया। और जब दूसर शादी कह लिया, राम सेवक दो दिन, चार दिन, दस दिन, दो महीना, चार महीना बीतल, आखिर वो परिवार में उहे होखे लागल जवन ना होखे के चाहिए। देखें बाबू, राम सेवक सुबह ही उठता था, नित्य क्रिया करके चला जाता था मजदूरी करने के लिए, घर में नई नवेली दुल्हन, वही दोनों बच्चे रह जाते थे। सौतेली माँ घर में जब आई है, दो चार महीना गुजरा है, दो चारे महीना गुजरने के बाद अपन सौतेली माई, सौतेली माई का करनी देखावे लगल, लैकन से दिन भर काम करावे। लड़किया जवन बढ़वे, जेकर नाम शांति बा, शांति से दिन भर काम करावे, और न तो टाइम से भोजन भी मत दे। आज सवेरे का तो बात बा, भोजनो ना देत रहे, सवेरे वे का बात बा, सवेरे राम सेवक उठलन हम, चल गिलन मजदूरी करे, बेटी भी 10 बरस की हो चुकी है शांति, वो भी चली गई अपनी पिताजी के साथ मजदूरी करने के लिए। सवेर छोट लैका के सुतले छोड़ के बहिनिया अपना भैयावा के सुतले छोड़ के चल गई मजदूरी करे, लेकिन देखें बाबू जब उठल बा उ छोट लैका 8 बरिस के, जब भैयावा उठल बा जाके माई के यहाँ दौड़ल गई बा, माई दीदी ना है इनका, माई जब इतनी बात सौतेली माई सुनलस, डांट करके कहती है कि तुमको केवल दीदी ही दिखाई पड़ती है, दीदी तेरी काम करने गई है, जाओ खेलो। लड़का रो के कहलस कि ए माई हमके रात भी भरपेट खाना ना दिलो, बड़ी भूख लगल बा माई, हमके तनी कुछ खाना खाए के दे दा। यही तो लड़का का कसूर था बाबू, इतना ही वो बच्चा छोटा सा 8 वर्ष का सुदामा कहा था कि उठाती है सिमठा, गरम आग में तप रहा था सिमठा, और उसी सिमठे से लगी मारने, लगी मारने, मारते मारते घर के दरवाजे के बाहर कर देती है। लड़का दरवाजे पर बैठ करके रो रहा है, तब तक 12-1 बजत बा, ठीक अब दोपहर का टाइम होखे वाला बा, बहनिया मजदूरी कई के लौटल बे, दूरे से देखत बे कि भैया हमार छोट भाई दुआरी पर घर के बैठ के रोत हुन, बहिन का माया बाबू जाके दौड़ के उस सुदामा भाई के गोदी में उठा ली हलिन। आ जब उठा ली हलिन, बहन का प्यार पाया है वो छोटा सा मासूम सुदामा, बहन के गोद में सिसक सिसक करके रो रहा है कि दीदी दीदी तू ना जाने लू ना, तू तो चल जालू मजदूरी करे, लेकिन देखा माई हमके कहा कैलिन हा, माई बड़ी मरले बाड़ी दीदी, माई बड़ी मरले बाड़ी। रो के लड़का आज अपने दीदी से बतावत बा, का कहले बा, रोत बा सुदामा, अरो के ये कलश की दीदी हम कोनो गलती ना कैली, माई से खनवे तो मंगली,
रो के कहले बा, का कहले बा कि माई आज मुआली के मार मरले बाड़ी। मार मरल बाड़ी सिउठा से दाग पिठिया लाल कैल बाड़ी। सिउठा से दाग बहन का कलेजा कांप जाता है। बाबू ओ अपनी भाई को गोद में लेकर के अम्माई के लगे गई बे। कहलस की कारे माई हमके मार देली, हम कुछ ना बोली ला, लेकिन ई तो लड़का न बा, खनवे तो मंगले रहल, यह तो बहनिया गलती कह दिहलस। इतने कहलस की आज मैभा महतारी कैलस का बाबू कि मैं भा महतारिन धई के झोटा घसीटे। ओरहन सुनवली ता शांति के पीते। बाबूजी के मतिया खराब कैल बाड़ी। बाबूजी के मतिया खराब कैल बाड़ी। बाबूजी के मतिया खराब कैल बाड़ी। बाबूजी के मतिया खराब कैल बाड़ी सिउठा से दाग पिठिया लाल कैल बाड़ी। गलती कैलस, यही तो गलती था कि केवल यही कही थी कि माई इतना लड़का न बा, हम के मार देलू, कुछ ना बोली ला, इतना ही गलत की थी वो बहन कि वो पापिन सौतेली माँ उस लड़की की अपने चंगुल में बाल को पकड़ लेती है, लात से मारते मारते घसीटते हुए घर के बाहर कर देती है। खैर बहनिया तो ये बाबू समझ बूझ के रह गई, लेकिन देखें अब साँझ भइल बा, राम सेवक मजदूरी कह के अइलन हा। दिन भर का थका हुआ बेचारा मजदूर राम सेवक खा करके घर में सो जाता है। एगो घरवा में बगलवे आला घर में भैयावा बहनिया एगो खटिया पर सुतल हुन, कटोरी में तेल लेके गईल बे उ नौकी राम सेवक के मेहरारू, आ जाय के राम सेवक के कपार पर तेल लगा के लागल जाते। आ जब जातत जातत आखिर बतियावत बतियावत उन्हों के धई के बैंड ऐठी दिहलस। आ बैंड ऐठ के कहलस कि सुनबा तू हमके ब्याह कह के ले आइल बड़ा, हम तुहार मेहरारू हई, कौनो उड़र के नहीं खियाइल। राम से वो कहलन कि तू कहल का चाहत अड़ू, तनी उहे बतिया साफ साफ बतावा, तब उ मेहरारू जौन बे नौकी मेहरारू कहत बे राम सेवक से का कहले बे बाबू इहे कहत बे कि सौतेला कमाई खाई है हमारा सुगानावा के। 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 दिहल जाई जानावा के मार जी हाटे करे जा जब सुनली बहिनिया हो
हो खलचा है ले के फरार जी। माई बाबू घरवा में बतियावत हवन, बगलवे वाला घरवा में बहनिया भैयावा के लेके सुतलवे, ए बाबू लड़का का स्वभाव, 8 बरिस का लड़का सुत गेल बा दीदी के गोद में, लेकिन वो बहिन शांति का नींद ना आवत बटे। सोचत बे जब माई का फुसफुसाहट सुन ले बे, आ दौड़ के आके बाबू के घरवा के केवाड़ी के पल्ला तर खड़ा होके सुने लगल। जब माई इतनी बात कहलास कि ई लड़का जवन बा, लड़किया त सयान हो जाई तो कहीं ब्याह कह दिहल जाई चल जाई, लेकिन लड़कावा हमार गोद से हमारे पेट से जौन लड़का जन्मी ओकर आधा का हिस्सेदार हो जाई, एकर जान मार द। अब आँख हो जाती है वो शांति बहन बाबू, और दौड़ करके आकर भाई को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है। रो के ये सोचत में कि माई मरे के बेरी कह गई कि ये बेटी हम ते दुनिया के छोड़ के जात बानी, लेकिन हमरा मर गई लेके बाद ए लड़का खाती तू ही माई बाड़ू और तू ही बहन बाड़ू। आज वो लड़की सोचत में कि हमें भैया के कैसे बचाई, सोच गई कि हम ऐसा काम काहे ना कर दी कि बांस रही न बंसुरी बाजी। ए बाबू धीरे धीरे भोर का टाइम भइल बा, ता जब भोर का टाइम भइल बा भोरहरी में वो लड़की शांति भैया के गोदी में लेके घर छोड़ के निकल गई, घर छोड़ के निकल गई। आ जब घर छोड़ के निकलल संजोग देखें कि भोरहरिया का टाइम बा, जेम गुआ से बहरे उ लड़किया अपने भैया के लेके जात बे, तब तक राम सेवक मैदान होके निपटान कहके ओर से लवट के घर आवत रहलन। देखलन हाँ कि अरे इस शांति अशुदामा के लेके इतना भुरहरिया में कहाँ जातवे, आके रास्ता रोक लियलन, डांट के कहलन कि रे शांति कहाँ जा रही हो। हाथ जोड़ के उ लड़की रोहत बे कि बाबू हमार रास्ता मत रोका, छोड़ दा बाबू छोड़ दा। रोहत बे लड़की आइये कहत बे का कहले बे, वह तरजबा कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। आज लड़की शांति अपने बाबू का पैर पकड़ के रोवत बे कहलस कि बाबू रास्ता छोड़ दा, लेकिन रो के कहले बे का कहले बे कि पौआ पकड़ के रोवे, पौआ पकड़ के रोवे बिटिया बिचारी, पौआ पकड़ के रोवे बिटिया बिचारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी, पौआ पकड़ के रोवे बिटिया बेचारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी, पौआ पकड़ के रोवे बिटिया बेचारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी। रो के लड़की शांति कहलस बाबू कि माई के जियत दुलार जवन दिहला, मैं भा के मुँह में व सुलकैली हला, मैं भा के मुँह में व सुलकैली हला, मैं भा के मुँह में व सुलकैली हला, जनवा के भीख मांगे, जनवा के भीख मांगे बनके दुखियारी, जनवा के भीख मांगे बनके दुखियारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी, जनवा के भीख मांगे बनके दुखियारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी, जनवा के भीख मांगे बनके दुखियारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी। लड़की रोवत बे कहलस कि बाबू जवन रतिया के माई के संगवा तू बतियावत रहला कुल बतिया हम सुन गेल बानी बाबू, माई के इहे न मनबा कि भैया के मार दिहल जाए, त काहे के तू ऐसन काम करबा बाबू, हमन के तोहरे जामल नहीं जा, हमन के तोहरे जामल नहीं जाए बाबू, भाई के जान मत मारा, हमें भाई के लेके गांव छोड़ के चल जात बानी, कबो तोहरे दुआरी पर लवट के न आई।
रहलन तराम सेवक बापे न, औलाद के दिल अपने दिल में माया जरूर बा। सोच गईलन कि जवन हमार मेहरुआ चाहत बे उ कमवा हो जात बा, जान मरले से का फायदा बा। डांट करके राम सेवक बोला है, आए शांति चली जाओ लेकर के, लेकिन याद रखना दोबारा कभी मेरे दरवाजे पर इस लड़का को लेकर के मत आना, और न कभी तुम आना। बाबू का पांव छोले बे लड़की, भैया के गोदी में उठा के गांव छोड़ के लड़की चल दी हलस। आ जब गांव छोड़ के चलल बे, कवि जी बड़ी सुंदर टेरी के बात लिखलन है का, अरे मानवता को जवाब चाहिए, ए बाबू मानवता को जवाब चाहिए, मोह के मकर जाल में करने चला ही साथ। देखा लड़की लेके जात बे, लेकिन लड़की जब गांव के बहरे गई बे जंगली रास्ता बा, वही जंगल के रास्ता पकड़ के लड़की अपने छोट भाई 8 बरिस के सुदामा के लेके जा रहल बे। लेकिन भइल का बाबूजी, कि अखिया से लोरा ढारे उठाई ले तू बहिनी, ठीक जंगल के बीचों बीच बहन अपनी भाई को लेकर पहुंची है कि अचानक उस भाई बहन के साथ एक घटना घटी है। बाबू वो कौन घटना बा, कि बना घोना घोर आइल, बना घना घोर आइल, गोड़ा भहराई गाइल, तनिक सपनिया पियाई दे तू बहिनी। भैयावा सुदामा रो रो पूछत बा कि दीदी दीदी हमके कहाँ लेके जात बाड़ू। बाहरे बहिन भाई के समझावत बे कि भैया रो मत, चला अभी हमने के घर पराया हो गई हमनी खातिर, चला मामा के यहाँ रहल जाई। लेके जात बे, लेकिन बाबू देखें जेठ का दुपहरिया बा, 12 बजे वाला बा, भाई के मुंह सुखत बा। रो के भैयावा एक जगह बैठ गई एक पेड़ के नीचे, आ कहलस कि दीदी अब हमसे चल ना जाई, कबो तुलबुल तुलबुल छोट लड़का भुइया चलत बा तो कबो दीदी के गोद में उठ जात बा। देखें रोत बा कहलस कि दीदी हमके पानी पिया दे न तो अब जान चल जाई। बेर सूर्य भगवान का पारे के ऊपर हुअन, 12 बजे वाला बा, दीदी अब तक मुँह मेहन का एगो टुकड़ा न गई, कम से कम पनिए तो पियादा। बहनिया सोचे लगल कि ये जंगल में भाई के पानी कहाँ से पियाई, लेकिन बारे भाई बहन का माया बहिनिया से बर्दाश्त न भइल, ओ भैया के एक ठे पेड़े के नीचे बैठा दियलस। आ बैठा के कहले बे का कहले बे बाबू, कि गईली बहिनिया भुलाईली डहरिया हो, अब डहकत बिराना के मचाई ले तू बहिनी। दोनों पेड़ के नीचे उ लड़का के बैठा के बहनिया कहलस कि ये भैया तू हमें बैठा, कहीं जाइया मत, हम जंगल के बहरे जात पानी गांव बा, ओ गांव में से तोहके पानी ले आवत बानी, पानी पी के तब हमन के यहाँ से चलल जाई। बहनिया वही पेड़ के नीचे छोट भाई के बैठा के आ चल गई गांव के, गांव में जंगल के बहरे जो गाँव बा ओ गाँव में से पानी ले आवे। बाहरे भगवान पानी लेके उ लड़की शांति चलल बे गाँव में से, कि दोनों बिछड़ी गई ले, ए बाबू विधि का विधानावा हो, अब हैया से तनी की भेटाई जाई तू बहिनी। पानी लेकर के वो लड़की तो चली है जरूर बाबू, लेकिन यही घटना घटा।
आखिर वो जंगली रास्ता समझ नहीं पाई, जिस रास्ता को पकड़ कर आई थी वो न पकड़ करके एक दूसरा ही रास्ता पकड़ लेती है। जंगल में चली गई, इस कोने पर भाई बैठा है और ठीक जंगल के बीचों बीच उस कोने पर जाकर के अपने भाई को खोज रही है। धीरे धीरे दिन ढल गया, शाम हो गया। ओहर बहिनिया रोत पे लोटा में हाथ में पानी लेके कि हमरे भैया प्यासल हुन, इनके हम पियाई। एवर भैया पेड़ के नीचे 8 बरिस का मासूम बैठ लड़का बैठ के रोत बा की बाहर है दीदी, सोचत बा कि तोसे तो अच्छा उस सौतेली माई रहल कि मारत जरूर रहल, लेकिन कबो कबो खाना तो दे देत रहल। लेकिन ए दीदी ई तू का कैलू, ए जंगल में हमके छोड़ के तू भाग गैलू ना। एवर लड़का डहक के रोत बा, वही पेड़ के नीचे बैठल बा, सूर्यास्त होखे वाला बा। एहर बहिन जंगल के बीचों बीच ओह कोना पर जाके अपने भाई के खोजत बे, आ खोज के रोत बे, इहे कहत बे, का कहले बे, यही रो करके बहन कहती है कि तोहे ढूंढी कहाँ भैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिचे नैया। तोहे ढूंढी कहाँ भैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, पतवार बीचे डूबे मझधार बीचे नैया। लड़की लोटा में पानी हाथ में बा, हाथ में लोटा में पानी लेके आई है, रो रो कहत बेका, तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानवा, तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानवा, तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानवा, हम मन करे माहुर खाके तजदी परानवा, दुख के से कहीं भैया, दुख के से कहीं भैया, एक सेठ भेटा गईले बबुनी के पोसवैया। बाबू तब तक देखें एक और घटना घट गई। शाम का वक्त बा, सूर्यास्त होखे वाला बा, उहे जंगलवा का रास्ता पकड़ के एगो सेठ जी जात रहलन, जेवना सेठ जी का नाम धनमल सेठ बतावल गई। जब लड़की के देखलन है कि अरे ये सुनसान जंगल में हाथ में लोटा का पानी लेके आई लड़की कलप कलप के रोत पे, आखिर बात का बा, बाहरे सेठ जी धनमल सेठ बिटिया के नजदीके गईलन हम, कहलन की बेटी कैसन रोत बाड़ू बेटी, केकर बेटी हो, कहवा से तू आइल बाड़ू, का खोजत बाड़ू बिटिया। जब बेटी शब्द सुनती है वो लड़की आह भर देती है, आंखों में आंसू लेकर पूरी दास्तान बताती है कि का कहीं बाबू, माई मर गई लेन, बाबू पराया बन गईलन, सौतेली माई के मुंह माया में फंस के हमन के भाई बहन के घर से निकाल दिया लने बाबू, भैया प्यासा रहलन, उनके पानी लेके हम अली, लेकिन जंगल में खोजत पानी हमार भैया ना मिलत हुन,
सेठ जी के दिल में दया आ गई। धनमल सेठ कहलन कि ये बेटी एक काम करा, इस जंगल का बात बा, जंगली जगह बा, थोड़े ही देर में जंगली जानवर आ जाएंगे यहाँ, तुम चलो बेटी मेरे साथ, और तुम चलो मेरे साथ, सुबह होते ही मैं तेरे भाई को ढूंढवाने का प्रयास करूंगा, अगर तेरा भाई मिल जाएगा तेरे भाई के साथ मैं लगा दूंगा। लड़की पिता मान के धनमल सेठ के संगे चल गई। आ जब घरवा ले गेलन धनमल सेठ तो देखें बाबूजी, सबसे बड़ आश्चर्यजनक तो ई बात रहल कि धनमल सेठ के भगवान सब कुछ देले रहलन, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मात्र कमी थी तो धनमल सेठ को भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया था। आ जब लड़की के घरे ले गईलन धनमल सेठ, वो बेटी का आपन बिटिया मान लिहलन, सोच गेलन कि हो सकत बा कि भगवान हमके यही रूप में ए बेटी के देले होवन, आपन बेटी मान के वो बेटी के पोसे पाले लगलन। आज वो लड़की धीरे धीरे 20 बरिस के हो गई, कहने का मतलब कि 10 बरिस का उम्र, 10 बरिस और गुजर गई, 20 बरिस की लड़की हो जाती है, और जब जवानी की दहलीज पर आती है लड़की, आज धनमल सेठ सोच गए कि बाह बाह हमार बेटी जवान हो गई, एगो बाप का फर्ज होखेला कि बेटी के जंगा पर बैठा के कन्यादान दे दिहला से बाप का जिंदगी सफल हो जाला। आज उ धनमल सेठ बगलवे वाला गांव में मुसाफिर सेठ के लड़का से वो बिटिया का शादी तय कर दिहलन। आ जब शादी तय हो गई तब भइल का बाबूजी, कहल गई कि बीतल कुछ सालों से बीतल कुछ सालों से ठो शादी रचाई दिहले, बीतल कुछ सालों से ठो शादी रचाई दिहले, बीतल कुछ सालों से ठो शादी रचाई दिहले, आई गईली पिया के भावनावा बहिनिया हो, आई गईली भगवान तेरी भी माया गजब है। आज है शांति बहिनिया, आज बाबुल की घर छोड़ करके, आज धनमल सेठ के परिवार को छोड़ करके मुसाफिर सेठ के घर में वो दुल्हन बन करके जाती है। आज जब दुल्हन बन के गई देखें तब तक मात्र 4 दिन गुजरल बा, 4 दिन गुजरल बा, और मुसाफिर सेठ के घर में बहू बन के जब वो शांति बेटी गई 4 दिन गुजरल बा कि अचानक एगो औरी घटना घट गई। कौन घटना घटल बा कि धन्य विधाता तोहरी धन्य लिखनिया हो, धन्य विधाता तोहरी धन्य लिखनिया हो, धन्य विधाता तोहरी धन्य लिखनिया हो, साप काट लिहलस देवा, साप काट लिहलस घर का रोवे परानिया हो, साप काट लिहलस रोवे घर का परानिया हो, साप काट लिहलस हलिया लर पारा नवा बहिनिया हो, छोड़ दी 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 हलिया लर पारा नवा बहिनिया हो। आखिरकार 4 ही दिन तो गुजरा था कि बहू बन के गईलिन है शांति मुसाफिर सेठ के घर में, अचानक आज रक्षाबंधन का दिन बा, सबेरे से बहनिया रोत बे कि आज भैया अगर हमार रहितन, आज सुदामा भाई रहितन तो उनके हाथ में उनके कलाई में हम राखी बदती। ए बाबू वही घरवा में एगो भूसा वाला घर बा, वही भूसा वाला घर में बहनिया कोनो काम से गई कि अचानक उसी भूसे वाला घर में सर्प बैठा था डंक को मार देता है। थोड़े ही देर में शांति बेहोश हो जाती है। गांव में हलचल मच गया कि मुसाफिर सेठ के बहू 4 दिन अले भइल रहल कि आज सांप काट दिहलस।
आस पड़ोस के लोग आए, दावा दारू झाड़ फूंक उपचार बहुत शुरू हुआ बाबू, लेकिन उस लड़की को कोई बचा नहीं पाया। आज जब लड़की के ना केहू बचावल, गांव घर लोगन के भीड़ लागल बा मुसाफिर सेठ के दरवाजा पर, सब लोग ये कहत बा कि भैया जवन होके के तवन तो हो गई, अब एक काम करा लो कि केरा ले आवा लोग, केरा के पेड़ पर ये लड़की के लाश के दफना दिहल जाए। मुसाफिर सेठ के बहू के लाश केरा के पेड़ पर दफना दिहल जाए। देखे बाबूजी केरा काट के आइल बा, ओ केरा के पेड़ पर ओ शांति बहिन के लाश रखल गई बा, मुंह से गाज निकलत बाटे। अब अंतिम क्रिया करे के तैयारी में लोग हुन, तब तक एगो और घटना घट गई। कौन घटना घटल बा बाबू? बाबा लोगन के भीड़ लागल बा, आइए घटना घटल बा कि उहे रास्तवा पकड़ के जवन की मुसाफिर सेठ के द्वारवा के बगल से रास्ता जात बा, उहे रास्तवा पकड़ के एगो जोगी बाबा सरंगी बजावत टेरत गावत आवत रहलन। आ जब मुसाफिर सेठ के दरवाजा पर अइलन त भइल का, लेकिन उ जोगी बाबा इहे गावत रहलन। का गावत रहलन? कि नारी के करनवा भरथरी बनी गईले जोगी आया रे बनी गईले जोगी, नारी के करनवा भरथरी बनी गईले जोगी आया रे बनी गईले जोगी आहो, राजपाट दिहाले बिसारन हो राम दरवाजा पर देखलन जोगी बाबा मुसाफिर सेठ के बड़ा भीड़ लगल बा, नवहा जवन रहलन दू चार दस ठे, डांट करके जोगी से बोले, हे जोगी गाना बजाना बंद करो, गाना बजाना बंद करो, केहू के दुनिया उजड़ गई तहरा गावल निक लगत बा। जोगी बाबा आवाक हो गए, डर गए कि अरे ये क्या हुआ, लोगों की भीड़ कैसी है। हथवा जोर के जोगी बाबा कहलन कि भैया गावल बजावल हम बंद कर देते, लेकिन तने ही बतेबा लोग आखिर सेठ जी के द्वारे ही भीड़ कैसन लगल बा। पुरनिया लोग जौन रहलन कहलन कि ये बाबा जायदा बुरा मत मनिहा लैकन के बात के, मुसाफिर सेठ के बहु चारे दिन अइले भई रहल, ये दुनिया के छोड़ के चल गेलिन, सांप काट दिहलस केहू ना बचा पौलस। जोगी बाबा कहलन कि भैया जौन होके के तो हो गई, तनिका ओ मुसाफिर सेठ के बहू के लसिया हमके दिखा देबा लोग। लड़का जितना रहलन डांट के कहलन के रे ललगड़िया साधु के फेरा में का परल हुआ लोग, हटावा जौन होके के हो गई चला लेके, ना तब लाश बदबू देवे लगी। लेकिन पुरनिया लोग समझौलन बुझौलन कहलन के रे यार आखिर ई पैसा मंगते न बा जोगिया, देखे के कहत बात तो देखौले में तनकी काहर जाबा, देख लेवे दालो। जोगी के इजाजत मिलल बा, जोगी बाबा गइलन हा केरा के पेड़ पर लाश रखल बा। जब चादर हटौलन हा देखलन कि लड़की के मुंह से गाज निकलत बा, जोगी बाबू एक बगल अपनी कान से झोला निकाला है गुदड़ी का और झोला रख दिया, एक बगल में सारंगी रख दिया और वहीं आसन लगा करके वो जोगी बैठ जाता है। आंख बंद किया, मंत्रों का उच्चारण करने लगा। प्रमाण मिला पत्रिका से, एक घंटा तक वो जोगी मंत्रों का उच्चारण करता रहा, लेकिन उस लड़की के लाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सभी लोग डांटने लगे कि ये क्या नखरा है। जोगी आंख खोलता है, तम तमा उठा और बोला कि ये गांव के लोग कान खोलकर सुन लो, थोड़ी दूध की आवश्यकता है, क्या दूध ला सकते हैं आप लोग। गांव का बात बा, देखते देखत एक आध नाद दूध तैयार हो गई बाबू, आ गई बाटे नाद में दूध रखल बाटे। आज जब नादी में दूध रखल गई, अचानक को जोगी अपनी झोली में हाथ को लगाया है, कुछ निकाला है, आंख बंद किया, हाथ को ऊपर उठाया और मुट्ठी बांध करके छोड़ दिया, मुट्ठी खोल दिया, उसकी मुट्ठी से कुछ निकली है। और थोड़े ही देर में देखते देखते लोगों की भीड़ लगी थी, वो जो सर्प डंक मारा था वो सर्प फुफकारता हुआ आ करके झोली में उस जोगी के प्रवेश कर गया, फिर झोली से निकला है, चला गया उस लड़की के लाश के पास शांति के, और जा करके डंक मारा है, डंक मार करके फिर दूध में जाता है, दूध से फिर जाता है, डंक मारता है, कुछ खींचता है, फिर दूध में जाता है, दो तीन बार इस तरह क्रिया किया और फिर सर्फ निकला और वहां से चला जाता है। लोग हैरान है, देख रहे हैं, लेकिन जोगी चुपचाप उसी तरह मौन है, लेकिन लड़की के लाश में कोनो परिवर्तन ना भइल।
तब वो जोगी तमतमा उठा जा करके और तमतमा करके खड़ा हो जाता है, जा करके उस लड़की की लाश को झझोड़ करके और एक थप्पड़ मारता है। बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है। वो लड़की चिहुक कर उठ कर बैठ जाती है। वाह वाह। और जब बैठ गई तब वो जोगी फिर आकर अपने आसन पर बैठ गया, उठा लिया सारंगी और वही गीत गाना शुरू किया। क्या गीत गा रहा है? यही गीत गा रहा है कि नारी के करनवा भरतरी बानी गईले जोगी आयर बानी गईले जोगी राजपाट दिहाले बिसारन। इतना तक तो जोगिया ठीक गौलस। जोगी गावत बा, लड़की सुनत बे, कभी जोगी के देखत बे, कभी बगल में ओकर पति बैठल हुमन, पति के देखत बे, कहलस कि आखिर ई कैसन भीड़ बा, कैसन ई जोगी बाबा हुमन। तब तक जोगी एक लाइन और गाना शुरू किया। क्या गाया है? कि माई मरी गईली बाबू बना ले कसाईया यार बना ले कसाईया मैं भमारे मुआली के मारन। आवाक हो जाती है लड़की, दौड़ करके जोगी के नजदीक आती है, कहती है कि बाबा 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 इ, 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 क्या तू गा रहे हो बाबा, ये कैसी गीत है? जोगी शक पका जाता है, डर जाता है कि कहीं लोग मुझे मारने न लगें, और यही डर करके कहता है कि बहन मैं तो अपनी बीती हुई बात गा रहा था। तब वो लड़की कहती है कि बाबा ये कैसी बात है, माई मरी गई ली ये का बात बा? तब जोगिया फिर तीसर की लाइन शुरू कर ले बा, आंख से आंसू चलत बा और रोत बा जोगी अगावत बा। का कहले बा? कि माई के मुआ लकायब है बहिनी के भुला लाता यार बहिनी के भुला लाता हो पानी बिन बे पानी पानी दारन होरा लड़की। लड़किया के आंख से आंसू चले लगल, हथवा जोर के और रोए लगल। उ शांति बहन कहलस कि बाबा इ कैसन तू गीत गावत हुआ बाबा, सब लोग देखत बा कि लड़की जी गई आ जोगी के गीत सुन के रोत बे, कारण का बा? सब लोग आवाक पड़ल बा। जोगी कहलन कि का कहीं बहन, हम ते अपने मुसीबत में बानी, लेकिन ई बतावा हमर गीतिया सुन के तू काहे रोत बाड़ू? शांति कहलस कि ये बाबा कहीं ऐसन तना तू के हुआ कहवा से अला, केकर लड़का हुआ कहवा जेबा, कब से जोगी बनला तनी बतैता बाबा। रो करके वो जोगी कहता है कि का कहूँ बहन, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और ठीक तेरी ही जैसी मेरी बड़ी दीदी थी जो मुझे जंगल में छोड़ कर चली गई। दीदी जंगल में छोड़ कर चली गई और तब से मैं जोगी बन करके और उस बहन का तलाश कर रहा हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ कि अगर आज वो मेरी बहन होती तो इस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी कलाई में हंसते हुए राखी बांधती और मैं राखी की बधाई में उसे जरूर कुछ देता बहन, जरूर कुछ देता। आँख है ओ लड़की, आँख है, कहती है कि बाबा कहीं तेरा नाम सुदामा तो नहीं है, कहीं तेरा नाम सुदामा तो नहीं है बाबा। आवाक हो जाता है जोगी और कहता है कि बहन बहन तुम ये कैसे जान गई कि मेरा नाम सुदामा है? और रोने लगती है, रो रो करके कहती है कि बस भैया बस, अरे जिस बहन की तू आज 10 बरस से तलाश कर रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि वो तेरी बहन मैं ही हूँ भैया, मैं ही हूँ, ओ तेरी बहन मैं ही हूँ, मेरा नाम शांति है, वही मैं तेरी शांति हूँ भैया, वही मैं तेरी शांति हूँ। दोनों भाई बहन सीना से सीना मिला करके रो रहे हैं। अचानक वो बोल पड़ा जोगी की अरे पगली दीदी, तू आज रक्षाबंधन का पर्व है, क्या मेरी कलाई में राखी नहीं बांधेगी? तब तक वो लड़की कहती है कि सब कुछ ठीक है भैया, लेकिन ही बता कि तू जोगी कैसे बना, तू जोगी कैसे बना? कहने लगा वही लड़का, बताया कि देख जब तू पानी लेने के लिए गई दीदी और नहीं आई तो मैं पेड़ के नीचे बैठ कर रो रहा था, तब तक अचानक एक जोगी बाबा गए, वही रास्ता पकड़कर मुझे रोते हुए देखे, उठा लिए,
पूरी बात मैंने बताया। जोगी बाबा कहने लगे कि चलो बेटा, मैं तो जोगी फकीर का आदमी हूँ, तुम मेरे साथ जोग रमाओ और हो सकता है किसी दिन किसी मोड़ पर तेरी बहन मिल जाए। तभी से मैं जोगी बन गया और तुझे ढूंढता रहा। जाती है बहन दौड़ करके जा करके और रक्षाबंधन लाती है बाबू, आरती की थाल सजाती है, भैया के कलाई में राखी बांधती है। आज जब रखिया बंधलिन कहलिन कि भैया राखी के बधाई में हमें कुछ ना देबा, भाई जोगी रोने लगा। सुदामा कहता है कि रे पगली, इस जोगी के पास और है ही क्या, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, केवल प्यार के अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। कहती है कि नहीं भैया नहीं, हमें राखी के बधाई में यही चाहिए कि आज से तू वादा कर ये झोली और ये सारंगी फेंक दे भैया, और आज से तुम इसी घर में मेरे साथ रहेगा। भैया हंसता है और कहता है जोगी की अरे पगली, तुमसे तो मुलाकात हो ही गया, लेकिन एक बात सुन, जरा पिताजी के बारे में भी पता लगाना है जो हम लोगों को जन्म दिए हैं, आखिर पिताजी कैसे हैं। देखें बाबू कहानी आगे बढ़िए, हुआ क्या। भाई का हाँ, नदिया के धारना आप, नदिया के धारना अरार से रोकाला बाबू, अरे नहीं रोकाइल भैया बहिनी के प्यार, अदेई के दिलासा धैले आगे के डहरिया दादा, अइल मोतिहारी बैठा दुआरी मझारी। रो करके भाई रक्षाबंधन बधवाया है और वहां से चल पड़ा। वादा किया कि बहन रक्षा बधाई के बदले में यही देता हूं तुम्हें कि चाहे मैं धरती के किसी कोने में रहूंगा, रक्षाबंधन के दिन मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा और आ करके अपनी बड़ी बहन से अपनी कलाई में राखी बधवाऊंगा। यही कह करके जोगी वो सारंगी बजाता हुआ एक तरफ गांव से बाहर निकल पड़ा। बहन दरवाजे पर खड़ी होकर अपने जोगी भाई को देख रही है कि आज भैया फिर मुझसे दूर हो रहा है। लेकिन देखें बाबू, मोतिहारी जिला में बाठा गांव में भाई पहुंचल बा गावत बजावत, सारंगी के टेरत जब गांव में पहुंचल बा, अब वही बाठा गौआ के बहरवे बा उ भैयावा की एगो और घटना घट गई। कौन घटना घटल बा कि घरवा से निकलत रहे, घरवा से निकलत रहे बाबू के जनाजा बाबू, घरवा से निकलत रहे बाबू के जनाजा भैया, अरे दासा देख जोगिया के बड़ी सी लालूरी, खाई के पछाड़ गिरी गई लसिया पर दादा, हम ही अभागा सब तेला बेटा तूरी, दाह संस्कार कैले पंचन के समानवा बाबू, दाह संस्कार कैले पंचन के समानवा बाबू, बरबस नजरिया गैल बेचल छलाई, अनमोल खजाना हमके दई दा गुदरिया माई। तनी बात समझला ए बाबू, जे में गौआ के बहरे बाणन कि आज देखत हुवन की केहू आदमी का लाश निकलत बा, आ जब देखलन हाँ गांव घर के लोगन के पहचानत देर न लगल, जाके उजोगिया पूछत बा कि ए बाबू ए चचा ए भैया ई केकर लाश बा, वाह वाह बारे भगवान तेरी भी माया गजब है कि आज 10 वर्ष गुजर गया था लेकिन गांव के लोग उस सुदामा जोगी को पहचानने से इनकार नहीं कर पाए, लाश को रख दिए। और गांव के लोग कहने लगे कि बेटा कहीं तू सुदामा तो नहीं है। हाँ बाबू, हाँ चचा, हम ही सुदामा हिला, बात का भाई केकर लाश बा। गांव के लोग पुरनिया कहलन कि कारे सुदामा, अरे तू है न रहले जब छोट रहले, केहू के दरवाजे पर केहू तोरे चल जाए
तो तोके बे गोदी में उठोले ओकरा चैन न पड़े, तोके पूरा गांव दुलार प्यार करत रहल, आज तू छोड़ के आ तू चल गईले बेटा, चल गईला अपने बाबू का ख्याल न कैला। लेकिन देखा तहार बाबू एवनी गम के बर्दाश्त न कैलन, तहार बाबू राम सेवक मजदूरी कही के आवे, आ शाम के दुआरे दुआरे घूम के ये कहे कि हम बड़ा गलती कह दिली, हमार सोना नियन लड़का लड़की हमके छोड़ के चल गिलन, हमके दूसर ब्याह न करे के चाहत रहल। ए बेटा तुहार मुंह माया भूला न पौलन राम सेवक, आखिर अंजाम इहे निकलल कि आज वही मुंह माया में तोहरे बाबू का हार्ट अटैक हो गई, तहार बाबू ये दुनिया के छोड़ के चल दिहलन। जब इतनी बात सुदामा जोगी सुनलन है, एक तरफ सारंगी फेंक दिया, एक तरफ झोली है गुदड़ी का, बाप के लाश पर फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन बाहर सुदामा जोगी कंधे पर लाश को उठाया है, अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार कई के आ फिर वही अपना गुदड़ी का झोला और वही सारंगी उठा करके अलन है, बजावत हुन टेरत हुन सारंगी आ अलन अपने दरवाजे पर। एहवार सौतेली माई का पता चलल, हल्ला मच गई कि सुदामा जोगी बन के आयल बा, गांव में हलचल मचल बा, सौतेली माई के पता चलल बा कि आज उ सुदामा हमार सौतेला लड़का जोगी बन के आयल बा। ए बाबू सौतेली माई दौड़ल बे दरवाजा पर ही पहुंचलन हम, जाके पांव छुअल चाहत बे, तब तक चार कदम ओ सुदामा जोगी पीछे हट जाता है, कहता है कि अरे पागल तू मेरी धर्म की माँ हो और तू मेरा पैर छू रही है, क्या मुझे नर्क में भी जगह नहीं दोगी माँ, ऐसा मत करो माँ। रोती है वो कि ए बाबू जवन हम कैनी तमन पैली, आज तहर बाबू मर गईलन, ए परिवार का परवरिश करे वाला केहू नहीं खे। अब भगवान देखे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जवना बेटा के मोह माया में वो सौतेला बेटा के उस सौतेली माई दूर कैलस, आज भगवान कैसन माया की 10 बरिस गुजर गई ओकरा कोख में एको औलाद ना भइलन। सोचत बे सौतेली माई रोवत बे, कहलस कि बेटा केहू ना बा आगे पीछे, अब तोहरे सहारा बा। जोगी हंसता है और कहता है कि रे पगली, एक जोगी के लिए मोह ये माया ये धन और ये दौलत सबसे बड़ी चीज है बाबू, कि इस कहानी में मेरा कहानी जो है इस विरह की ये जो कहानी है अंततो गत्वा बैराग की ओर जा रही है। गौर करेंगे आज जो बैरागी जोगी कहता है कि एक जोगी के लिए मोह माया धन दौलत नहीं माना, ना हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो एक ही चीज दे दो माँ। झोली फैलाता है और वो जोगी मांगता है अपनी धर्म की माँ से, क्या कहता है कि अनमोल खजाना हमके दे दो गुदड़िया माई, अनमोल खजाना हमके दे दो गुदड़िया माई, अरे मैं भा चरनिया में गिर भराई। आखिरकार जोगी बोल पड़ा कि एक जोगी का सबसे बड़ा फर्ज होता है, एक जोगी के लिए सबसे बड़ा चीज होता है माँ, कि अंततो गत्वा वो जोगी अपनी माँ से जा करके अंततो गत्वा फटी हुई गुदड़ी भिक्षा के रूप में ले ले। यही कहता है, मजबूर है वो सौतेली माँ, जाती है घर में और उस जोगी के झोले में फटी हुई गुदड़ी लाकर दे देती है। जोगी माँ का चरण स्पर्श करता है और निकल पड़ा गांव से सारंगी को टेरते हुए। गांव के लोग कुछ दूर तक जाते हैं जोगी को पहुंचाने के लिए, लेकिन बाबू देखें जोगी जा रहा है, गांव के लोग खड़े होकर देख रहे हैं, सुदामा बहुत दूर चला गया, गाँव के लोग देखते रह गए। गाने का अंतिम प्रमाण था कि अरे बहता पानी रमता जोगी, ए बाबू बहता पानी रमता जोगी, सब निहारे भोगिया, अरो रो सब का के रोवा के चलल बा जोगिया। सभी लोग देखते रह गए ओ सुदामा जोगी सारंगी को टेरता हुआ बहुत दूर जा चुका था। गाने का अंतिम प्रमाण था जय जखाण स्वामी जंदू हबीबुल्ला की फुलवारी, श्री नारायण निसार मितवा सुबास की तैयारी, अरे मनोता को ज-
जवाब चाहिए, ए भैया मानवता को जवाब चाहिए, रोशनी गंगा सागरों प्रकाश महताब, मानवता को जवाब चाहिए। के फूल के सेजी सजावली ये सैया यार, ये सैया यार, ये सैया अभागन हो गईली, अभागन हो गईली, अभागन ही।